ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट एंड अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब से ये ट्रेंड शुरू हुआ था फिंगरप्रिंट का, तब से हम कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट्स यूज़ करते आए हैं, और अब जो सेंसर्स हैं वो ऑप्टिकल है या तो अल्ट्रासोनिक। तो जैसे ही आपको नाम में से इसका एक बेसिक आइडिया मिलता है कि अल्ट्रासोनिक में साउंड वेव्स एमिट होते हैं जो आपके फिंगरप्रिंट की एक 3D इमेज क्रिएट कर देगा और आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन करेगा, एज कम्पेयर टू द ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट जो लाइट थ्रो करेगा और आपकी फिंगरप्रिंट को सेंस करेगा। अब जो हमने सबसे ज़्यादा कॉमन देखी है वो है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट्स। अब आफ्टर कैपेसिटिव ऑफ कोर्स, तो ये ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट्स फॉर एग्जांपल वन प्लस में, ओप्पो में, वीवो में, तो आपको जब ये दिखेगा तो ये लाइट थ्रो करेगा और ये लाइट थ्रो करने के बाद आपकी फिंगरप्रिंट वो डिटेक्ट करेगा। तो इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसको क्रैक करना बहुत ही ईजी है। अगर आप एक एक्सट्रीमली हाई डेफिनेशन फिंगरप्रिंट का स्कैन वहाँ पर रख दोगे तो जो स्कैनर है वो वही फ़ोटो को स्कैन करके आपको फ़ोन खोल देगा। और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर का ये डिसएडवांटेज है कि अगर आपने उसके ऊपर कोई टेम्पर्ड ग्लास लगाया है या फिर कोई ग्लास प्रोटेक्टर लगाया है तो आपको बीच में एयर अगर रह जाती है उसके अंदर, तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो आ रही है वहाँ से जो साउंड आ रहा है वो एकदम डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट देर इज़ नो एयर लेफ्ट इनसाइड। तो S10 है फॉर एग्जांपल, S20 प्लस है, S20 की बेसिकली जो सीरीज़ है इसमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो सैमसंग के लिए भी एक ही सर्टिफाइड टेम्पर्ड ग्लास है जिसको आप ऊपर लगा सकते हो, जो एक स्पेशल टाइप का ग्लू यूज़ करता है जिससे कोई बीच में एयर बबल नहीं रहता है। तो अब जब भी कोई फ़ोन के बारे में आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि ऑप्टिकल जब वो बोल रहे हैं तो वो क्या है और अल्ट्रासोनिक बोल रहे तो क्या है। ऑलराइट, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड थैंक यू सो मच।